भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सदन की तीसरे दिन की कार्यवाही चल रही है, विपक्ष आप लोगों को तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहा है, क्या जवाब है सर? कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं, बताइए कोई मुद्दा हो तो। कोई बात कह पा रहे हैं वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, प्रदेश के डेवलपमेंट के संबंध में एक भी सवाल किया हो तो पूरे प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक एक बात पर चर्चा हो, बाढ़ आई है, सूखा है, जहाँ जहाँ उस पर चर्चा हो, किसानों पे बात हो, मजदूरों पे हो, रोजगार पे हो, कोई बात ही नहीं कर रहे। तो मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान पे भी चर्चा कर लें, हमने कहा बंगाल पे चर्चा कर लें, कश्मीर पे चर्चा करें, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और समाजवादी पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। अगस्त क्रांति के मौके पर पीडीए ने अपने 11 संकल्प जारी करें, तमाम संकल्प हैं उसमें, इसको किस तरीके से देखते हैं 2024 के पहले? लग रहा है आपको एनडीए को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? देखिए एनडीए को नुकसान इसलिए नहीं होगा, देश त्रस्त रहा है, लाखों करोड़ के घोटाले रोज छपते थे, आज डेवलपमेंट की नई नई योजनाएं रोज लोगों के लिए, गरीब लोग के, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के हित में आती है। इसलिए इस बार आप याद करना, नोट कर लो, 400 पार लोकसभा में हमारे जो गठबंधन है उसकी सीट जाने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बार आंधी होगी, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का जो सीन बना है और जो भारत इस तरह से आगे बढ़ा है हर क्षेत्र में, उसका परिणाम सामने आने वाला है। साथ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।